वेलकम टू तिलक एकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन की। जो भी हम प्रीपोजिशन कल पढ़ चुके हैं, जितने भी हमने प्रीपोजिशन पढ़े हैं, चाहे वो विदिन हो, फॉर हो, सिंस हो, अमंग हो, बिटवीन हो, है ना, सिंस फॉर का, इन सब का यूज़, और पिछले भी जो प्रीपोजिशन हमने पढ़े थे जैसे कि इन, ऑन, एट, है ना, और भी बहुत सारे, अबव, ओवर, है ना, तो इन सब का यूज़ करके जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं इन कॉन्सेप्ट पे, उन सभी कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। उन सभी क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। तो कल वाला पार्ट जो पढ़ाया था उसके ऊपर बेस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन लेंगे इस पार्ट में जो कि मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है और पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, वो टॉपिक इन एंड नॉट वाला, एट, ऑन वाला, उस पर भी क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो अगर आपने पर्टिकुलर वो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वहाँ पे इंग्लिश के सारे वीडियो मिल जाएंगे जितने भी मैंने अभी तक पढ़ाए हैं, और आप उनको ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मस्ट नीडेड है, मैं तो बोलता हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट। अगर आपको ये नहीं पता है कि कैसे प्लेलिस्ट में जाना है तो उसके ऊपर कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया जिसमें यह भी बताया कि आपको टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, उसके बाद में आपको वीडियो को शेयर कैसे करना है, सारी छोटी छोटी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें दी है। प्लेलिस्ट में कैसे जाना है, दूसरे वीडियोज़ को कैसे आप ब्राउज़ कर सकते हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो की। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली वीडियो, क्योंकि मैंने तैयारी इस तरह से की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर वॉज अ फाइट फिल इन द ब्लैंक्स बिटवीन रवि एंड रोहित। तो फिल इन द ब्लैंक्स की इसी जगह क्या आएगा, बिटवीन आएगा, क्योंकि फाइट किसके बीच में, रवि और रोहित के बीच में है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी दो जने की चीज में बीच में कुछ होता है तब क्या होता है, बिटवीन लगता है, और दो से ज़्यादा जनों के बीच में होता है तब क्या लगता है, अमंग लगता है। कब बताया था, कल के वीडियो में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्लीज़ सेंड फिल इन द ब्लैंक्स द डॉक्टर। तो जब भी डॉक्टर के पास भेजने की बात होती है तो इसके लिए प्लीज़ सेंड फॉर दी डॉक्टर आता है, ठीक है, फॉर दी डॉक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर आएगा, डॉक्टर के लिए जाना चाहिए ऐसा, या भेजे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट पीपल वर्क फिल इन द ब्लैंक्स 9 to 5। मैंने आपको बताया था जब दो पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है तो फ्रॉम का यूज़ करते हैं, तो मोस्ट पीपल वर्क फ्रॉम 9 to 5, तो यहाँ पे फ्रॉम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई विल अराइव समटाइम फिल इन द ब्लैंक्स 9 AM and 10 AM। मतलब हमें कभी कभी किसके बीच में आऊँगा, 9 AM से 10 AM के बीच में, बीच में मतलब बिटवीन, बिटवीन दो पॉइंट है, मतलब दो समय है तो दो चीज़ों के लिए बिटवीन आता है, तो बिटवीन 9 AM and 10 AM। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैज़ बीन रिसेंटली डिस्चार्ज फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द आर्मी, फिल इन द ब्लैंक्स द आर्मी, तो फ्रॉम द आर्मी आएगा, क्योंकि फ्रॉम का अर्थ होता है से, फ्रॉम का अर्थ क्या होता है, से, तो आर्मी से डिस्चार्ज हुआ है, दैट मीन्स फ्रॉम आएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, व्हेन ही अलाइटेड फिल इन द ब्लैंक्स द कार ही वॉज वेलकम विथ ओपन आर्म्स। तो जब वो कार से का बोध आ रहा है तो फ्रॉम द कार आएगा, ठीक है, तो व्हेन ही अलाइटेड फ्रॉम द कार ही वॉज वेलकम विथ ओपन आर्म। तो जैसे ही कार से आया तो वो ओपन, खुले हाथों से उसका स्वागत किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वी आर गोइंग टू सी माई पेरेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स द वीकेंड। तो वीकेंड पे मैं अपने पेरेंट को देखने वाला हूँ, तो पे वीकेंड पर, तो ऑन दी वीकेंड आता है, ध्यान रखिएगा ऑन लगता है यहाँ पे, फॉर नहीं लगेगा, फ्रॉम नहीं लगेगा, ऑन लगेगा। तो वी आर गोइंग टू सी माय पेरेंट ऑन दी वीकेंड, जब मैंने ऑन पढ़ाया था तब आपको बताया था कि ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, है ना, ऑन दी वीकेंड, ये सारी चीज़ें होती है। नेक्स्ट देखते हैं, हिज डॉक्टर आस्क्ड हिम टू एब्सटेन फिल इन द ब्लैंक्स ड्रिंक्स। तो एब्सटेन फ्रॉम आता है, तो एब्सटेन फ्रॉम जो होता है एक फ्रेज होता है, तो एब्सटेन अपने साथ फ्रॉम को लेता है, मतलब ड्रिंक से, हिज डॉक्टर आस्क्ड हिम टू एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंक, तो ड्रिंक से बाहर निकलने के लिए उसके डॉक्टर ने उसको पूछा, ठीक है, तो एब्सटेन फ्रॉम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देयर वॉज अ फाइट, ये रिपीट है, बिटवीन क्या आएगा, रवि एंड रोहित। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रॉग जम्प्ड कहाँ, इन टू दी वेल। जंप की बात होती है तो इन टू आता है, ठीक है, मोशन की बात होती है, तो फ्रॉग जंप इन टू दी वेल, ज़्यादा तेज हो रहा है क्या। आई थिंक के मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ आपको समझा दिया है कॉन्सेप्ट, अगर नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डलवा दूंगा, वहाँ से क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज प्लेलिस्ट में तो सब मिल ही जाएगा, तो वो देख लीजिए, उसके बाद देखिए आप भी इसे ही फटाफट से बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं,
ही टुक मनी फिल इन द ब्लैंक्स द बैग, तो कहाँ से मनी लिया, बैग से, तो फ्रॉम द बैग, तो ही टुक मनी फ्रॉम द बैग, फ्रॉम का। द शॉप ओपन्स फिल इन द ब्लैंक्स 9:30 AM टू 5:30 PM, शॉप ओपन क्या आएगा बताओ जल्दी फटाफट से, क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, क्यों आएगा फ्रॉम, दो पॉइंट ऑफ टाइम की बात की है, कल पढ़ाया था, तो द शॉप ओपन्स फ्रॉम 9:30 AM टू 5:30 PM, खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, आई बोरोड अ ड्रेस फिल इन द ब्लैंक्स माई सिस्टर, मैंने अपनी बहन से ड्रेस उधार ली, बहन से का भाव यानी कि फ्रॉम, तो आई बोरोड अ ड्रेस फ्रॉम माई सिस्टर, जेल प्रेरी में आया हुआ है 2015 में। नेक्स्ट देखते हैं, नए क्वेश्चन भी लेंगे, आई विल बी बैक फिल इन द ब्लैंक्स एन आवर, विद इन एन आवर, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे जब मैं आपको मॉडल पढ़ाने वाला हूँ, क्या पढ़ाने वाला हूँ, मॉडल, तो मॉडल में हमने देखा है कि आई के साथ जो है शैल लगता है, आई और वी के साथ शैल लगता है, लेकिन हम आई के साथ जब विल लगाते हैं तो इसमें हम बताते हैं दृढ़ता का भाव, यानी कि श्योरिटी को बताते हैं, श्योरिटी और कैपेबिलिटी को जब हमको बताना पड़ता है तो आई के साथ विल लगाते हैं, आई विल डू, मैं कर ही लूँगा, ठीक है, ऐसा, तो श्योरिटी बता रहा है, और मैंने कल आपको बताया था जब भी श्योरिटी की बात हो कि इतने टाइम में काम पूरा हो ही जाएगा या फिर उससे पहले हो जाएगा तो हम लोग क्या लगाते हैं, विद इन लगाते हैं, दैट मीन्स वी विल बी बैक विद इन एन आवर आएगा इसमें, ठीक है, विद इन एन आवर, तो हम जैसे श्योरिटी दे रहे हैं आपको कि हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, वी ट्रैवल्ड फिल इन द ब्लैंक्स कोलकाता टू गुवाहाटी, वी ट्रैवल्ड कोलकाता से गुवाहाटी ट्रैवल करना है, तो क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, तो जब भी ट्रैवल की बात होती है तो हम फ्रॉम लगाते हैं, तो वी ट्रैवल्ड फ्रॉम कोलकाता टू गुवाहाटी, नाम ही ऐसे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैनी चेंजेस टुक प्लेस फिल इन द ब्लैंक्स द टू वर्ल्ड वॉर्स, द टू वर्ल्ड वॉर्स, ठीक है, तो मैनी चेंजेस टुक प्लेस बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स, देखो दो की बात हो रही है ना, तो बहुत सारे चेंज हुए, कब किसके बीच में, तो दो वर्ल्ड वॉर के बीच में, है ना, तो दो की बात हो रही है तो बिटवीन लगाएंगे, दो से ज़्यादा होती तो अमंग लगा देते, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, माई जॉब इज समवेयर फिल इन द ब्लैंक्स सेक्रेटरी एंड पर्सनल असिस्टेंट, तो माई जॉब इज समवेयर बिटवीन अ सेक्रेटरी एंड पर्सनल असिस्टेंट, अमंग तो आ नहीं सकता, बिटवीन आएगा क्योंकि दो जनों की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ऑल द बॉयज क्वारल फिल इन द ब्लैंक्स देमसेल्फ, तो सारे बॉयज क्या करें, क्वारल करें, मतलब कि चिल्ला चोट होता है इसका मतलब, अमंग देमसेल्फ, तो एक दूसरे पे, तो अमंग आएगा, अमंग देमसेल्फ, देमसेल्फ की बात हो रही है ना, ऑल दी बॉयज़ की बात हो रही है, तो सारे लड़के की बात हो रही है, दो से ज़्यादा की जब बात होती है तो हम क्या लगाते हैं, अमंग लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, अमंग आएगा, ठीक है। अब तो क्या हो जाएगा, ऑल दी बॉयज़ क्वारल्ड अमंग देमसेल्स, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, ओके कर देंगे, अ स्मॉल एनिमल वॉज मेकिंग रिजल्टिंग नॉइज, सॉरी रसलिंग नॉइज है वो, रिजल्टिंग नहीं है, क्या गलत पढ़ दिया, तो अ स्मॉल एनिमल वॉज मेकिंग रसलिंग नॉइज फिल इन द ब्लैंक्स द लीव्स, तो देखो अ स्मॉल एनिमल वॉज मेकिंग रसलिंग नॉइज द लीव्स, अब क्या लिखा है, लीव्स, द के पीछे क्या लगा है, लीव्स, लीव्स का मतलब क्या होता है, पत्तियाँ, एक पत्ती नहीं, पत्तियाँ कितनी होती है, बहुत सारी, जब भी दो से ज़्यादा आता है तो क्या होता है, अमंग, तो यहाँ पे आएगा अमंग, अ स्मॉल एनिमल वॉज मेकिंग रसलिंग नॉइज अमंग द लीव्स, क्या आएगा, अमंग द लीव्स, बिटवीन नहीं आएगा, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, है ना, तो मैं बोल सकता हूँ अगर यहाँ एक डस्टर है तो मैं बोल सकता हूँ डस्टर इज बिसाइड मी, ठीक है, मेरे बगल में, तो बगल का मतलब होता है बिसाइड, तो वो तो आना नहीं है, पत्तियों के बगल में तो ऐसे रसलिंग नॉइज होती नहीं है, अमंग पत्तियों के बीच, बहुत सारी पत्तियों के बीच, यानी कि अमंग आएगा। नेक्स्ट सीखते हैं, अ ब्यूटीफुल वाइट बर्ड्स फ्ल्यू फिल इन द ब्लैंक्स द लेक, तो यहाँ पे आएगा ओवर द लेक, है ना, तो द ब्यूटीफुल वाइट बर्ड्स फ्ल्यू ओवर द लेक, ओवर आएगा इसमें। आई सॉ अ फ्यू फैमिलियर फेसेस फिल इन द ब्लैंक्स द क्राउड, तो आई सॉ अ फ्यू फैमिलियर फेसेस, मतलब मैंने क्या करे, कुछ जाने पहचाने चेहरे देखे, कहाँ, तो बीच में, किसके, क्राउड के, भीड़ के बीच में, और बीच में भीड़ के, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, दो से ज़्यादा होती है, मतलब अमंग द क्राउड आएगा, ठीक है, तो अमंग आएगा, ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉस्ट शुड बी शेयर्ड इक्वली द थ्री ऑफ यू, तो द थ्री आया, तीन आए, दो से ज़्यादा, तो अमंग द थ्री ऑफ यू, ठीक है, तो अमंग आएगा, डी वाला ऑप्शन, घबराना नहीं।
नेक्स्ट देखते हैं, द लिटिल गर्ल हैज़ बीन इल 2 डेज. अब मुझे बताओ, जब पीरियड ऑफ टाइम की बात होती तो क्या लगता है, क्या बताया था, क्या लगता है, जल्दी फॉर. तो द लिटिल गर्ल हैज़ बीन इल फॉर 2 डेज. जो छोटी बच्ची है वो 2 दिन से बीमार है. ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, द रिवर इज फ्लोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, द डेंजर लेवल. जब भी कोई चीज़ किसी लेवल के ऊपर फ्लो होती है, डेंजर लेवल से ऊपर फ्लो होती है, तो हम क्या लगाते हैं, अबव का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा, अबव. मैंने बताया था ना, जब लेवल बताना हो तो अबव यूज़ करते हैं. तो द रिवर इज फ्लोइंग अबव द डेंजर लीव लेवल, डेंजर लेवल. नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स, अ लास्टिंग फ्रेंडशिप. तो ये है ना, एक फ्रेज टाइप यूज़ होता है, इसका होता है इन टू अ लास्टिंग फ्रेंडशिप, है ना. तो पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं हम, ओवर टाइम, ओवर टाइम देयर एक्वेंटेंस डेवलप्ड, फिल इन द ब्लैंक, अ लास्टिंग फ्रेंडशिप. तो क्या आएगा, इन टू अ लास्टिंग फ्रेंडशिप. सिर्फ इतना ध्यान रखना, इन टू अ लास्टिंग फ्रेंडशिप होता है. परफेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं, एक्वेंटेंस है वो शायद, ठीक है ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, हर नॉवेल हैव बीन ट्रांसलेटेड, फिल इन द ब्लैंक, 19 languages. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, वो वर्ड ही ऐसा था. तो हर नॉवेल हैव बीन ट्रांसलेटेड, फिल इन द ब्लैंक्स, 19 languages. तो उसकी नॉवेल जो है कितनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई, 19. ठीक है, तो ट्रांसलेट जब किसी को अपन को चेंज करना होता है, अवस्था में परिवर्तन करना होता है, ट्रांसलेट करने का मतलब क्या होता है, एक तरह से अवस्था ही परिवर्तन हो रही है, तब क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इनटू आएगा. तो हर नॉवेल हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू 19 languages. ठीक है, ए वाला ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं, आई विल सी यू, फिल इन द ब्लैंक्स, 10 minutes, बट प्लीज़ वेट, फिल इन द ब्लैंक्स, मी इफ आई एम लेट. तो क्या आएगा, आई विल सी यू इन 10 minutes, मैं आपको 10 मिनट में, इन 10 मिनट में. तो आई विल सी यू इन 10 मिनट्स, मैं आपको 10 मिनट में मिलता हूँ, बट प्लीज़ वेट फॉर मी इफ आई एम लेट, पर मेरे लिए वेट कीजिए. तो फॉर, फॉर, फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए. तो प्लीज़ वेट फॉर मी इफ आई एम इल. तो इन और फॉर आएगा, ए वाला ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन हमने देख ही लिया था, मिनट के आगे इन लगेगा और फिर वो फॉर. तो मेरे लिए वेट करना है, इसके लिए फॉर. In this company, anyone who's late, fill in the blank, work 3 times in 1 week. So, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. In his company, anyone who's late, fill in the blank, work 3 times in 1 week, gets a written warning, fill in the blanks, the boss. तो कैसे आएगा? In his company, anyone who's late for work. काम के लिए अगर कोई लेट होता है, तो लेट फॉर वर्क 3 times in 1 week गेट्स अ रिटन वार्निंग फ्रॉम द बॉस. तो फॉर और फ्रॉम आएगा कि अगर काम के लिए कोई लेट होता है तो बॉस से उसको लिखित में वार्निंग मिल जाएगी कि भैया तू लेट हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही है, फॉर और फ्रॉम. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 meters above the sea level. मैंने बताया था जब लेवल की बात होती है, माउंट एवरेस्ट का टॉप बता रहा है वो, है ना, 8848 meters. कहाँ से? तो सी लेवल के ऊपर, तो अबव द सी लेवल आएगा. राइट, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, आई कुड सी द क्लियर व्यू ऑफ द सी, फिल इन द ब्लैंक्स, द क्लिफ. तो कहाँ से देख सकता हूँ मैं क्लियर व्यू सी का? तो फ्रॉम द क्लिफ आएगा, क्लिफ से मैं क्लियर व्यू देख सकता हूँ सी का. ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम आएगा क्योंकि से का बोध हो रहा है. If you weigh, fill in the blanks, 100 kilogram, then you may need to start a diet. अगर आप वज़न उठाते हैं 100 kilogram से ज़्यादा या 100 kilogram तक, तो आपको क्या करना है, डाइट लेने की ज़रूरत होगी. ठीक है, तो बिल्कुल होगी भैया, इतना वज़न उठाओगे तो डाइट लेनी पड़ेगी, है ना, नहीं तो उठा ही नहीं पाओगे. तो इफ़ यू वे, क्या आएगा, ओवर 100 kilogram, अगर आप 100 kilogram से ज़्यादा वज़न उठाओगे तब आपको डाइट लेने की ज़रूरत पड़ेगी, 100 के अंदर कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं, टेम्परेचर रेयरली राइज, फिल इन द ब्लैंक्स, 0 इन विंटर. तो टेम्परेचर रेयरली राइज, फिल इन द ब्लैंक्स, 0 इन विंटर. तो क्या आएगा, राइज अबव. टेम्परेचर क्या होता है, रेयरली ऊपर जाता है, अबव लेवल में बोल रहा है ना, लेवल बताना है, तो ऊपर जाता है 0 के ठंडी में.
तो रेयरली ही क्या होता है ठंड में टेम्परेचर जीरो के ऊपर जाता है, इसका मतलब ये हुआ सेंटेंस का, तो अबव जीरो इन विंटर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन क्वालिटी, फिल इन द ब्लैंक्स दीज टू आइटम, तो क्वालिटी बिटवीन दीज टू आइटम आएगा, जब टू आइटम की बात होती है तो बिटवीन आता है, तो खेल ही खत्म हो गया, यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज नॉट, क्या लिखा है, accustomed to getting up early to go fill in the blanks a morning walk, तो a morning walk लिखा है, for a morning walk, to go for a morning walk, ठीक है, तो morning walk के लिए, इसलिए for आएगा। next देखते हैं, the discounted price is fill in the blanks 24 hour only, तो जब भी डिस्काउंटेड प्राइस होगा किसके लिए है, तो 24 आवर के लिए, तो फॉर फोर का मतलब के लिए भी होता है, तो द डिस्काउंटेड प्राइस इज फॉर 24 आवर्स ओनली। नेक्स्ट देखते हैं, द सेल विल लॉस्ट इन 7 डेज ओनली, तो द सेल विल लॉस्ट फॉर 7 डेज ओनली, हाँ यहाँ पे फोर आएगा, इन नहीं आएगा, सॉरी फोर आएगा, ठीक है, तो द सेल विल लॉस्ट फॉर 7 डेज ओनली, मतलब जो सेल है वो 7 दिन के लिए ही में ही खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं भाई, आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, क्या बोला है, यू हैव बीन लर्निंग अ न्यू सॉन्ग फिल इन द ब्लैंक्स 3 डेज, कितना 3 डेज पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या आएगा 4 3 डेज आएगा, पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द बायर्स हैव आस्ड अस फिल इन द ब्लैंक्स हैवी डिस्काउंट, फॉर अ डेज हैवी डिस्काउंट आएगा, तो बायर्स ने क्या किया, हमसे पूछा किसके लिए, के लिए आया ना, तो फॉर अ हैवी डिस्काउंट, फॉर आइटिंग माई नेम फिल इन द ब्लैंक्स द मेंबरशिप, तो आई एम रिमूविंग माई नेम फ्रॉम द मेंबरशिप, मैं मेंबरशिप से अपना नेम हटा रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, आई लीव अ न्यू यॉर्क फिल इन द ब्लैंक्स द बस स्टॉप, तो आई लीव अ न्यू यॉर्क फ्रॉम द बस स्टॉप और नियर द बस स्टॉप, तो आई लीव अ फ्यू यॉर्क, सर न्यू नहीं है वो फ्यू है, गलत पढ़ लिया तो भी गलत हो जाएगा, आई लीव अ फ्यू यॉर्क फ्रॉम दी बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप से कुछ यार्ड दूर लेता हूँ, फ्रॉम से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द रिवरली फिल इन द ब्लैंक द टू ग्रुप्स इंक्रीज्ड आफ्टर द इलेक्शंस, तो द रिवरली रिवेलरी है वो रिवेलरी, ठीक है, तो द रिवेलरी फिल इन द ब्लैंक द टू ग्रुप्स इंक्रीज्ड आफ्टर द इलेक्शन, तो बिटवीन आएगा क्योंकि दो ग्रुप की बात हो रही, तो द रिवेलरी बिटवीन द टू ग्रुप्स इंक्रीज्ड आफ्टर द इलेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, क्या दे रखा है, गिव अस रीजन फिल इन द ब्लैंक्स क्विटिंग, तो गिव अस अ रीजन फॉर क्विटिंग, छोड़ने के लिए हमें बताइए रीजन, तो क्या है, के लिए, फॉर। नेक्स्ट देखते हैं, द फैन फिल इन द ब्लैंक्स माई हेड इज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस, तो फैन द फैन अबव माई हेड आएगा इसमें, अबव, तो द फैन अबव माई हेड इज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस, फिर द, ये वापस से रिटर्न रिपीट हो गया क्वेश्चन, फिर ये खत्म हो गए क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर सॉल्यूशन दूंगा, और आप शेयर तो कर ही देते हैं वीडियो को, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए पास ही में, और सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।